Bela Sri Baman Bhagawan, Baman Bhagawan yang berbaik hati lah, yang berbaik hati. Lihat Baman Bhagawan. Bela Sri Brinda Bhagawan Bihari Lali Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Jai Jai Sri Radhe Hare Krishna. Ayo, Baman Bhagawan. आजा बाबा भगवान हाँ इधर सुनिए भगवान बलि महाराज को सुतल लोक में स्थान देंगे। बोले हे प्रभु मेरे मन में एक ही इच्छा है जब अपना घर से निकलूं आपका दर्शन करते हुए निकलूं जब मैं घर में प्रवेश करूं आपको दर्शन करते हुए प्रवेश करूं। भगवान तथास्तु बोल दिए। इसका मतलब हो गया भगवान इनकी दरवान बन गए। दरवान बनकर भगवान बैठे। एक दिन श्री नारद जी वैकुंठ में पहुंचे। देखा वैकुंठ में प्रभु है ही नहीं। बोले माता जी प्रभु जी कहाँ गए। बोले पता नहीं कहीं गए तो अभी नौकरी ढूंढ लिया। बोले नौकरी ढूंढ लिया। बोले कौन सा नौकरी। बोले दरवान की नौकरी। इतने में माँ लक्ष्मी अभी प्रभु जी को लेने के लिए आए। देखा प्रभु जी दरवाजा पर बैठे हुए कह रहे भैया सर रह गई थी। मतलब भगवान भक्तों का वशीभूत होकर क्या क्या नहीं किया। बोले केवल यही कसर रह गई थी दरवान बनने का। बोले अभी मेरे से बात मत करो अभी मैं ड्यूटी नहीं अभी मेरे से बात मत करो। बलि महाराज रोज रोज बलि महाराज दान देते थे। उसे यहाँ बैठा दो बैठा 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 दो बहुत बहुत काम हो गया भक्ति के लिए। हरे कृष्ण बोले श्री रामायण भगवान की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। बामन भगवान को ले जा अंदर में ले जा। भैया ये बच्चे को अंदर में ले जा अंदर में ले जा। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम हरे कृष्ण। अभी रोज बलि महाराज दान देते हैं। अभी माँ लक्ष्मी भी जाकर के लाइन में खड़ी हुई। मैया लक्ष्मी की जब नंबर आई बलि महाराज बोले वर मांगो। बोले पहले आप संकल्प करो फिर मैं वर मांगूं। बोले भैया एक संकल्प कराने वाला तो पहले आया था ये दूसरा कौन आ गया फिर संकल्प कराने वाले। बोले भैया संकल्प क्या बात मांगो ना। बोले नहीं बगैर संकल्प से मैं कुछ मांग। हमने देखा आपका दरबार में बड़ा सुंदर का दरबार बैठा हुआ ये दरबार वो मुझे दे दो। अभी बलि महाराज समझ गए। बोले पहले बताओ आप है कौन। इतने में माँ लक्ष्मी स्वयं वहां पर प्रकट होती है। इसलिए आप ये बता रहे हो हैं दरवान को दे। बोले ये दरवान को तो मैं दे नहीं सकता। बोले प्रभु जी आप एक स्वरूप में जाओ और दूसरे स्वरूप में यहाँ पर रहो। देखो भगवान भक्तों का प्रेम में कितने वशीभूत होते हैं। माँ लक्ष्मी स्वयं मांगने के लिए आए। सारा दुनिया माँ लक्ष्मी के पास में मांगते हैं। अगर मैया की कृपा नहीं हो ना सबके सब दुखी दरिद्र हो जाएंगे। माँ लक्ष्मी की दया सारा दुनिया मांगते हैं भैया हमारे ऊपर कृपा करो। लेकिन आज माता लक्ष्मी को दान दे रहे हैं। बोले कौन दे रहे हैं। बोले श्री बलि महाराज दे रहे हैं। बोले भैया क्या दे रहे हैं। बोले छोटे मोटे चीज नहीं अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक है उनको दान में दे रहे हैं। इसलिए बलि महाराज ने नारायण का हाथ को ला करके श्री लक्ष्मी को हाथ में दिए। इसलिए भगवान इतने वशीभूत हैं जहाँ पर लक्ष्मी नारायण भी जिनके चरण में झोंक गए। इतने बड़े दानी श्री बलि महाराज हुए। बोले श्री बलि महाराज की अभी से नरसिंह भगवान प्रकट होने वाले। आज बहुत सारे भगवान फिर लात में कृष्ण करने आएंगे। और देखो आज तो श्री कृष्ण आए हैं। अब कृष्ण जन्म लेंगे। अब लोग कौन से रंग के कपड़े पहन करके आएगा कौन सा रंग का
पीला रंग का, कल से राधा रानी जन्म लेगी, इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन कर आना, ठीक है? क्योंकि राधा रानी की जो चुनरी का रंग है वो गुलाल रंग की। देखो हमारा जो कपड़ा है ना, ये गुलाल रंग की। बोले क्यों? ये कपड़ा का मतलब क्या है? जैसे गुलाल राधा रानी कृष्ण दोनों में होली खेलते हैं, ये जो गुलाल रंग नहीं, ये अनुराग का रंग है। राधा रानी अपना अनुराग से को कृष्ण को भिगा देती है, कृष्ण अपना अनुराग से श्री राधा रानी को भिगो देती है, ये अनुराग का रंग है। और राधा रानी कौन है? बोले राधा शब्द को उल्टा दो, राधा शब्द को उल्टा दो, क्या होगा बताओ तो? धारा। ये राधा नहीं, ये कृष्ण प्रेम रस की ये धारा श्री राधा रानी। इसलिए कल सबके सब गुलाबी रंग के साड़ी पहन के आए, ठीक है? अभी नरसिंह भगवान आ रहे हैं। कहते ये नरसिंह भगवान, कहते इनकी कथा कहाँ से प्रारंभ होगी? बोले एक समय बैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी और चंदन की खुशबू ये बैकुंठ से ब्रह्म लोक तक आया। चतुसन की नासिका में प्रवेश करते उन्माद हो गए। बोले इतने सुंदर खुशबू कहाँ है? बोले पिताजी, ब्रह्मा जी को बोले पिताजी ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बोले बेटा ये बैकुंठ से ठाकुर जी के चरण और चंदन की खुशबू। बोले वो कितने सुंदर नहीं होंगे? बोले हाँ बड़े सुंदर। बोले उनका दर्शन करने जाओ। बोले जाओ। तो उन्होंने दर्शन के लिए गए, छह दरवाजा तो पार हो गए, सप्तम दरवाजा पार होना चाह रहे थे, वहां पर जय विजय खड़े हुए थे। बोले बिना पूछे कहाँ जा रहे हो? जब उन्होंने छड़ी को रोक दिए, इतने में इनकी इतना क्रोध आया। बोले हमें पूछने की जरूरत है? हमारे मार्गों को तुम दोनों ने रुके, हम अभिशाप देता हूँ, तुम लोग राक्षस जन्म में जाओ। इतने में भगवान सुनते ही वापस आ गए। बोले क्या हो गया? बोले प्रभु हमें अभिशाप दे दिया, राक्षस जन्म में जाओ। बोले देखो अगर वो राक्षस बन करके जाओगे ना, तीन जन्मों के बाद में मेरे पास में आ जाओगे। अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे, सात जन्मों के बाद में आओगे। बताओ क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी वैकुंठ वापस आ जाओ। ठीक है, राक्षस बन करके जाओ। यही जय और विजय पहले जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आया। भगवान हिरण्याक्ष अवतार में उन्होंने कहते श्री वराह भगवान ने उनको वध किया, इसलिए हिरण्यकशिपु को बड़ा क्रोध है, इसने मेरे भैया को मार डाले, इसलिए भगवान को अपना भाई समझता था, इसने कठोर तपस्या उसने की। जब भगवान ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए, बोले बेटा वर मांगो। बोले मैं दीन में नहीं, पहले तो मांगे मेरे को अमर वर दे दो। बोले भैया मैं स्वयं अमर नहीं, तेरे को अमर वर कैसे दूंगा, और कोई वर मांग लो। सोचे किसी तरह से घुमा फिरा करके अमर वर मांग लेता हूँ। बोले मैं दीन में नहीं मरूंगा, बोले तथास्तु। बोले रात में नहीं मरूंगा, बोले तथास्तु। बोले आकाश में नहीं मरूंगा, पृथ्वी में नहीं मरूंगा, घर में नहीं मरूंगा, बाहर में नहीं मरूंगा, किसी आपका किसी सृष्ट प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, किसी महीना में नहीं मरूंगा, आपकी सृष्ट प्राणी को हाथ में नहीं मरूंगा, कोई अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा। सब उन्होंने एक एक करके पूरा उन्होंने अमर कैसे बनेगा सारे वर को उन्होंने ले लिया। भगवान सब वर को ब्रह्मा जी तथास्तु तथास्तु बोल दी। अभी वो सोच रहे हैं अभी तो मैं अमर बन गया, मेरे को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। उसने इतने टहलका उसने मचा दिया दुनिया में, इंद्र को स्वर्ग राज्य से भगा दिए। बोले मेरे देश में कोई भी भगवान का कीर्तन नहीं कर सकते हैं, भगवान का नाम पूजा सेवा यज्ञ नहीं कर सकते हैं, करना तो मेरा ही नाम करो, पूजा करा तो मेरा ही नाम पर पूजा करो। इतने में सारे देवता लोग दुखी होकर के, पृथ्वी दुखी होकर के भगवान के पास में जाते हैं। ठाकुर जी बोले से कोई चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। बोले कब आऊंगा? जब मेरे भक्त प्रहलाद इसका बेटा बनकर आएगा, जब मेरे भक्तों के ऊपर में कोई अत्याचार करेगा। बोले जता देवेशु वेशु वेदेशु गोसु, हाँ जिस समय देवताओं के ऊपर में, पृथ्वी के ऊपर में, धर्म के ऊपर में अत्याचार हो, सदा तदा आंसू विनसती, उसी समय में मैं समूल में ध्वंस करता हूँ। अभी गाइए इसका बेटा से प्रहलाद बनकर आएगा, ये प्रहलाद ऊपर में कोई अत्याचार करेगा तो मैं कभी सहन नहीं करूंगा, फिर मैं नरसिंह अवतार रूप में आऊंगा। इसलिए इनकी चार बेटे हुए, सबसे बड़ा बेटा श्री प्रहलाद,
सर्वगुण संपन्न, इसकी इच्छा ये प्रह्लाद को ही मैं राज सिंहासन प्रदान करूं। इतने में इनके जो बड़े गुरु जी शुक्राचार्य कहीं बाहर गए हुए थे, अभी उन्होंने उनका दो बेटे थे जिसका नाम था संधा और अमर, बल इनको पास में दे दिया बच्चे को पढ़ाने के लिए। बल इतने सुंदर बच्चे को पढ़ाओ जैसे भविष्य में जैसे राज सिंहासन को संभाल सके। इन्होंने उनको राजनीति, दंड नीति, कूटनीति, सब नीति को एक एक कर पढ़ाए, लेकिन प्रह्लाद महाराज कुछ भी पढ़े नहीं। बोले क्यों क्यों नहीं पढ़े? बोले ये विद्या सही विद्या नहीं, विद्या तक बोले एक ही है जो भगवान की भक्ति करने वाला विद्या है। जब संधा अमर को ऐसे लगा बच्चों को हमने सारी विद्या पढ़ा दी, सोचे शायद हमें इनाम मिलेगा। बोले पिताजी को पास में चलो, पिताजी जो प्रश्न करेगा अगर सही सही उत्तर दे देगा फिर हमें इनाम मिलेगा। अभी पिताजी गोद में बैठा करके बोले बेटा बताओ तुमको गुरुजी ने जो विद्या पढ़ाई उसमें सबसे बढ़िया विद्या क्या है? बोले पिताजी बोले तत् साधु मन्ने सुर वैद्य देहिनाम सदा समर विघ्नम दिया असत ग्रहात हितात्म पात गृहांधकोप वनम गत जत हरिमाश्रय। तो पिताजी ये जीवन में किसी जगत में सबसे सब दुखी पिताजी। बोले क्यों? बोले दिमाग में जो चीज को ध्यान करते हैं वो अनित्य वस्तु को ध्यान करते हैं, इसलिए संसार में सबसे सब दुखी है। अगर जीवन में सुख पाना चाहते हैं क्या करें? बोले भगवान की शरण में जाए तो आनंद और सुख मिलेगा। पिताजी को तो बड़ा रेडी क्या हो गए और दो चार मिनट ठीक है। इसलिए प्रहलाद हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, मेरे शत्रु का भक्ति करने का विद्या किसने पढ़ाया? उनने संधा अमर को बड़ा डांट लगाया, जिसकी थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो, लगता है इसको कोई गुप्त रूप में कोई साधु आकर के मेरे बेटा का बुद्धि खराब करता है। देखो उसी समय तो एक हिरण्यकश्यप जन्म हुए थे, लेकिन अभी सब जगह में हिरण्यकश्यप हो गए। अगर बेटे अगर प्रभु का भक्ति करे ना भजन करे तो कभी गलत रास्ता पर जा रहा है। अगर बेटे अगर कुमार्ग में जाए शराब पिए हाँ उल्टा सीधा काम कर बोले वेरी गुड, मेरा बेटा तो बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन अगर प्रभु की भक्ति करे तो कभी गलत रास्ता पर जा रहा है। इतने में बोले उसको बढ़िया करके उसको पढ़ाया करो। उन्होंने फिर उनको बहुत अच्छे तरह से पढ़ाया, सोचा उसको अच्छे तरह से हमने पढ़ा दिया, बोले इसको अभी प्रश्न करो। जब उन्होंने फिर प्रश्न की बताओ सारे विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या क्या है? बोले श्रवणम कीर्तनम भीष्म स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्य सख आत्म निवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेतनव लक्षण क्रियते भगवत अध्या तन्मन्ने दीपमूतम। बोले पिताजी सारे विद्या में सर्वश्रेष्ठ विद्या है पहले ठाकुर जी के चरण में शरणागत हो जाओ, हो करके भगवान की कथा सुनो, ठाकुर का कीर्तन करो, ठाकुर जी के चरण की सेवा करो, उनकी स्मरण करो। जो नव विद्या जो भक्ति उन्होंने बताया, हिरण्यकश्यप को तो बड़ा क्रोध आया। बोले मेरे शत्रु का नाम तू ले रहे हो, उठाया और उन्होंने उसको फेंक दिया और जितने राक्षसों को बोले उसको जान से खत्म कर डालो, सारे दैत्य उसके ऊपर टूट पड़े। लेकिन भगवान जिसको गोद में लेकर के रक्षा कर रहे हैं उसको कौन क्या बिगाड़ सकते हैं? सारे दैत्य लोग टूट पड़े लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब कुछ भी नहीं हुआ इतने में संधा अमर को बोले कोई चिंता मत करो, शुक्राचार्य आने पर उनको समझा देंगे। अभी फिर उन्होंने स्कूल में भेज दिया, फिर प्रह्लाद ने बच्चों को क्या दिव्य ज्ञान बताए। अभी समय नहीं, प्रह्लाद महाराज क्या बताया उसको हम बाद में सुनेंगे। प्रह्लाद महाराज एक प्रह्लाद थे, उन्होंने बच्चों को इतने सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताई। बोले देखो बच्चों भगवान की भक्ति 5 साल उम्र से करनी चाहिए। बोले प्रह्लाद हमने सुना है कि रिटायर्ड लाइफ में भजन करते हैं, तू कह रहे हो 5 साल से भजन करे? बोले 5 साल से क्यों करे, जब बड़े हो जाएंगे तभी करेंगे। प्रह्लाद ने कहा तुम्हारे पास में कोई गारंटी कार्ड है? अगर बीच में राम नाम सत्य हो गया तो फिर क्या करोगे? बोले नहीं तो अगले जीवन में करेंगे। बोले देखो बच्चों
ये मानव शरीर ठाकुर बारंबार नहीं देते ही, ये तो 84 लाख जन्मों के बाद में एक बार दिए ही, बारंबार नहीं देते ही। उन्होंने बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए, इतनी अच्छी बात बताए। देखो दो चार बात सुन लो, हम बचपन से क्यों भक्ति करें, बड़े में क्यों नहीं। बोले मिट्टी जब कच्चा रहती है, आप जो कुछ बनाना बना दो, मिट्टी जब पक जाएगी फिर उसमें कुछ बनेगी, फिर वो कुछ बन नहीं सकती है। बांस जब कच्चा रहता है उसको जिधर टेढ़ा करना टेढ़ा कर दो, लेकिन बांस जब पक जाएगी फिर वो टेढ़ा होगा, वो टूट जाएगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। जैसे वृक्ष पौधा जब छोटा हो एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह पे लगा सकते हो, जम जाएगा, लेकिन उसका जड़ जब ज्यादा नीचे चले जाएंगे फिर जाएगी। फूल जब खिला हुआ होगा तब हम ठाकुर के चरण में दे सकते हैं, जब फूल मुरझा जाए सड़ जाए फिर ठाकुर जी के चरण में फिर लगाया जाता है। इसलिए प्रहलाद ने कहा जैसे कोरे कागज है, कोरे कागज के ऊपर में कोई चीज को लिख सकते हैं, लेकिन जब इसको ऊपर लिख जाए एक बार दोबारा लिखा जा सकता है। कहते उसी तरह है बच्चों, भगवान की भक्ति बचपन से करनी चाहिए। फिर उन्होंने बढ़िया एग्जाम्पल बताए, बोले देखो तुमको पूरा जीवन का हिसाब देता हूँ। तुम लोग कहते हो ना रिटायर्ड लाइफ में भजन करोगे, बोले हाँ। बोले सरकार क्यों रिटायर करता है, जब देखता है 8-10 घंटा बैठ कर काम नहीं कर सकता तब उसको निकाल देता है, बोले अभी तुम्हारी सब कुछ हो गया। जब साधारण काम से तुम रिटायर हो गए फिर भक्ति कैसे करोगे। मानो एक व्यक्ति 100 साल जिंदा रहेगा, बोले हाँ। बोले आधा रात आधा दिन, मतलब 50 साल तक सो सो करके बीत गया, बच गया 50 साल। 10 साल बचपना में बीत जाती हैं, फिर 25 साल तक लिखाई पढ़ाई में बीत जाती हैं, 50 साल 25 कितना हो गया 75, 75 साल, बीच में रह गया 25 साल। 80 साल से लेकर 100 साल तक जो बुढ़ापा है वो किसी काम का नहीं रहता है, कान में सुनाई नहीं देगा, हाथ में दिखाई नहीं, बड़ी कमर टेढ़ी हो जाएगी, वो किसी काम नहीं। बीच में 5 साल रह गया, कितने सारे काम है, बच्चों को पढ़ाना, नौकरी चाकरी करवाना, इनको शादीशुदा करवाना, इतने काम है, बताओ भजन कब करोगे। इसलिए बच्चों भगवान की भक्ति बचपन से डालो। मीरा ने किस उम्र में की, ध्रुव ने कौन सा उम्र में की, प्रहलाद ने किस उम्र में की, हनुमान जी किस उम्र में की, तुलसीदास ने किस उम्र में की, सब बचपन से की। बुढ़ापा पे कोई नहीं भजन किया है, बुढ़ापा में भजन नहीं होता है। इसलिए बच्चों बचपन से जो चीज का आदत डालोगे अंतिम समय तक उसके संस्कार बन जाएगी। इसलिए भगवान का भजन बचपन से करना शुरू करो। फिर तो एक प्रहलाद था, सबके सब प्रहलाद हो गए, बोले चलो गली गली में ठाकुर का कीर्तन करेंगे। सारे प्रहलाद जितने बच्चों को लेकर कीर्तन कर रहे थे, हिरण्यकश्यप ने देखा मेरे राज्य में मेरे शत्रु का कीर्तन कौन कर रहे हैं, बोले देखे आओ तो सिपाही को भेजे। देखा हे भगवान एक प्रहलाद था और सबके सब प्रहलाद हो गए। बोले भैया ये बीमारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। इतने में उसने प्रहलाद को मना करने के लिए गए, लेकिन उसकी शरीर में तो कृष्ण प्रेम की रस की धारा बह रही थी, उसको स्पर्श करते ही मना क्या करेगा, इसकी शरीर में ही कृष्ण भक्ति के संचार हो गए। बोले भैया भगवान का नाम तो बड़ा मीठो है, भैया मैं भी थोड़ा पान कर लू, वो भी मना क्या करेगा, वो भी उसको साथ में कीर्तन करना है। हिरण्यकश्यप से कहा गया तो वापस नहीं आया, और एक को भेजा तू देख कर क्या। बोले भैया ये मना क्या करेगा, ये तो खुद कीर्तन कर रहा है, ये तो कीर्तन कर रहा है। जब उसने मना करने के लिए गया प्रहलाद को, इसके शरीर में भी भक्ति के संचार हो गए। वो मना क्या करेगा, वो भी बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा देखा सबके सब प्रहलाद हो गए। इतने में हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, बोले तेरी पूछ जैसे कुत्ते का जैसे पूछ ही, भले ही जितने तेल लगा दो तेरा कुत्ते का पूछ सीधे नहीं कर सकते हो, सारा दुनिया मेरे डर से कांप रहे हैं, लेकिन तू ऐसे के ठीठ है, मेरे शत्रु का तुम पूजा करते हो, बताओ तेरे भगवान कहाँ है। बोले बताओ मेरे भगवान है नहीं कहाँ बताओ तो। बोले ये खंभे के अंदर में क्या है, बोले मेरे को तो दिख रहा है प्रभु जी खंभे के अंदर में, सचमुच से वहां पर हिरण्यकश्यप
साक्षात नरसिंह भगवान वहां प्रकट हो गए, क्योंकि भक्तों को भाग्यों को रक्षा करने के लिए बोले तेरे प्रभु को पहले दिखाता हूँ, बाद में तेरे को दिखाऊंगा। उन्होंने उठाया अपना मुष्टि का धार और मारे खंबे ने, तो एकदम खंबा मिला और स्वयं नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतने में जब श्री नरसिंह भगवान प्रकट हो गए, आप लोग मेरे तरफ से देखो, आप तो मेरे को देखना ही भूल गए, अब मेरे तरफ से देखो, बाद में देखना। इतने में जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए, अभी इनको साथ में घमासान युद्ध हुई। युद्ध करते करते जब ठीक शाम का समय हो गया, देवता ने बताया प्रभु ज्यादा इसको साथ में लड़ाई मत करो, रात होएगा ना, ये दैत्यों का ताकत बढ़ जाती है। जैसे एक बिल्ली एक चूहे को पकड़ ले, ऐसे ही नरसिंह भगवान श्री हिरण्यकश्यप को पकड़ करके अपना गोद ऊपर ले लिए, ले करके जब उसको छाती को फाड़ने जा रहे थे, इतने में हिरण्यकश्यप कहता है बोले प्रभु मेरे को आप मार ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले मेरे पास में बहुत सारे वरदान है। बोले बता तेरे पास में क्या वरदान है? बोले किसी महीना में मैं नहीं मरूंगा, मारूं कैसे? बोले भले आदमी याद कर ये कौन सा महीना, ये मलमास है। बोले प्रभु तब भी नहीं मार सकते हो, घर में नहीं मरूंगा बाहर नहीं मरूंगा, फिर मारोगे इसे? बोले अच्छे तरह से देख तू कहां पर, दहली के ऊपर में। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले मैं आकाश में नहीं मरूंगा, पृथ्वी के ऊपर नहीं मरूंगा। बोले तू मेरे जंघे के ऊपर में हो, इसलिए इतने में बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले बर्दा रहे ना। बोले बताए एक करके। बोले प्रभु मेरे को आप घर में भी नहीं मार सकते हो, दिल्ली पर नहीं मार सकते हो, और ब्रह्मा जी का सृष्ट प्राणी को ही नहीं मार सकते हैं। बोले मेरे को ठीक से देखो मैं कौन हूँ, ब्रह्मा जी का मैं बाप हूँ। बोले तब भी नहीं मार सकते। बोले क्यों? बोले वरदान है ना। बोले क्या वरदान है? बोले किसी अस्त्र में नहीं मरूंगा, किसी शस्त्र में नहीं मरूंगा। बोले अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं, मेरे नाखून को देख, देखते देखते भगवान उसका पेट को भगवान फाड़ दिया, उसको गले में जितने उसकी नाड़ी हुई थे ठाकुर जी गले में पहन ली। हाँ मेरे तरफ से देखो, ठाकुर जी इसको पेट के क्यों फाड़े? ठाकुर जी इसको पेट के क्यों फाड़ दे? बोले कारण है, बोले इसकी औरा से सही ये प्रहलाद जन्म हुए हैं, हो सकता है और दो चार मेरे भक्त निकल जाए पेट से, इसलिए ठाकुर जी इसको पेट को फाड़ दिए। ठाकुर जी फाड़ करके जब उसको मार डाले, इतने में ब्रह्मा जी भी आए मनाने के लिए, लेकिन ब्रह्मा जी जिनको मना नहीं सके, इतने में शंकर जी आए, शंकर के डर से वहां से भाग गए, माँ लक्ष्मी को पास में गए, बोले भैया आप ही चलो प्रभु को मनाने के लिए, प्रभु का बड़ा भयंकर रूप है। बोले प्रभु का रूप बड़े सुंदर, प्रभु का रूप है शांता नारम भुजग शयनम, प्रभु तो बड़े सुंदर है। इतने में माँ लक्ष्मी आरती का थाली सजा करके लेकर के आती हैं, भगवान ऐसे दहर मारे, लक्ष्मी भी आरती का थाली को फेंक करके लक्ष्मी भी वहां से भागे। इतने में प्रहलाद को पास में गए, बोले प्रहलाद तेरे लिए ठाकुर जी प्रकट हुए, तू शांत कर सकते हो। लेकिन जब प्रहलाद जी आए ना, अरे किसको प्रहलाद बनाया नहीं, हाँ जब श्री प्रहलाद जी आए, इन्होंने प्रहलाद जी को गोद में बैठा दिया, भगवान प्रहलाद जी को उनको उन्होंने गोद में बैठा दिया, और भगवान की सारे क्रोध शांत हो गया। प्रभु जी जब ठाकुर जी की सारे क्रोध शांत हो गया, भगवान ने कहा प्रहलाद मेरे अपराध को मत लेना, मेरी वजह से तेरे को कितने कष्ट उठाना पड़ा, इसलिए मेरे अपराध को मत लेना, आने में मेरे को देरी हो गई। बोले प्रहलाद मेरे डर से सारा दुनिया कांप रहे हैं, क्या तेरे को डर नहीं लग रहा है? बोले प्रभु आपका ये स्वरूप मेरे को तो बड़ा प्यारा लग रहा है, शेर दूसरे के लिए शेर होता है, लेकिन बच्चे के लिए कभी शेर शेर नहीं होता, इसलिए इतने में भगवान ने बोले बेटा वर मांगो। हाँ मेरे तरफ में देखो, बोले वर मांगो। बोले प्रभु जी सताया, इसलिए मेरे पिताजी के सारे अपराध को माफ कर दो। बोले प्रहलाद तेरे पिताजी की बात क्या कह रहे हो, तेरे तो 21 पीढ़ी उधार हो गए, तेरी 21 पीढ़ी तेरे उधार हो गए,
और कुछ बर मांगो। बोले प्रभु जी देखो संतों का हृदय कितने कोमल है, बोले ये पृथ्वी पे जितने लोग दुख कष्ट भोग कर रहे हैं सारे दुख कष्ट को मेरे को दे दो, मैं इनके दुख कष्ट को लेकर करोड़ों साल तक नरक भोग करूं, लेकिन जीव का सारे पाप से मुक्त करके ये ब्रह्मांड को आप वैकुंठ में स्थान दे दो। भगवान का प्रहलाद प्रहलाद तेरे को पाप लेने का जरूरत नहीं, तेरी ऐसी इच्छा है ना, एक ब्रह्मांड को मैं मुक्त करके अपना चरण में स्थान दे देता हूँ। भगवान चरण में स्थान दे दिए, फिर भगवान को आरती उतारी, भगवान का क्रोध शांत हुआ, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। ब्लसी भक्तवत्सल भगवान की, ब्लस नरसिंह भगवान की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमस्ते नरसिंह। देखो देखो प्रभु जी जो भजन गा रहे हैं सब ध्यान देकर इधर देखो, ये जो नरसिंह भगवान कौन है, अगर भक्तों को ऊपर में कोई भी विपत्ति पड़े, आप ध्यान दे रहे हो इधर, आपको ऊपर में कोई भी विपत्ति पड़े, ये प्रभु जी जो श्लोक गा रहे हैं ये श्लोक को आप लिख करके ले लो, इनसे लिख करके ले लेना। अगर जीवन में कोई भी विपत्ति आए अगर ये श्लोक को आप पाठ करोगे सारे विपत्ति से आप मुक्त हो जाओगे, किसी तरह का कोई विपत्ति नहीं आएगी। जैसे भगवान प्रहलाद को हर विपत्ति से रक्षा की, ये श्लोक से सारे विपत्ति से आपको रक्षा मिलेगी। ये जो भजन गा रहे हैं अब सुन लो, बाद में इस श्लोक को लिख करके ले जाना, और किसी विपत्ति आए तो इस श्लोक को पढ़ना, भगवान नरसिंह देव प्रकट होकर के आपको रक्षा करेंगे। सुन लो इस श्लोक को, नमस्ते नरसिंह। Thank you.
कन्या आने वाले हैं। बोले श्री ब्रह्मा जी की परंपरा से एक राजा हुए जिनका नाम था श्राद्ध देव मनु। इनके घर में सारे सुख है लेकिन घर में किसी संतान नहीं, इसलिए राजा बड़े दुखी। उन्होंने श्री वशिष्ठ जी को बोले, गुरु जी हम एक संतान चाहते हैं। तब गुरु जी ने ब्राह्मण को बुला करके एक यज्ञ करवाए। बोले ऐसे एक यज्ञ करो जिससे खीर बने और वो खीर खाने पर जैसे संतान की जन्म हो। जब ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, इतने में राजा की मन में इच्छा घर में एक पुत्र जन्म हो, भविष्य में जो राज सिंहासन को संभाले। लेकिन रानी की इच्छा है घर में अगर बेटी होगी फिर ये मैया मदद करेगी। इतने में रानी ने जाकर के ब्राह्मण को कान में बताए, बोले देखो अगर घर में बेटी आएगी ना फिर मुंह मां की दक्षिणा आपको मिलेगी। अभी ब्राह्मण लोगों ने देखा भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है। देखो पहले ऋषि मुनियों के पास में कितने मंत्र शक्ति की प्रभाव थी, वो ऐसे मंत्र उच्चारण करते थे जिस मंत्र उच्चारण करने पर बेटा का जन्म हो, और ऐसे मंत्र पढ़कर के यज्ञ करते थे जिसको तरह बेटी की जन्म हो, इतने मंत्र शक्ति थी। ब्राह्मण लोगों ने देखा भैया बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, अगर बेटी होगी तो बढ़िया दक्षिणा मिलेगी। उन्होंने किया क्या, बेटा का मंत्र के स्थान पर उन्होंने बेटी की मंत्र दी। अभी वहां से खीर बनी, रानी को खिलाई गई, बड़ा सुंदर एक बेटी जन्म हुई जिसका नाम पड़ गई एला। इतने में श्री राजा ने वशिष्ठ के पास में गए, बोले गुरुजी मैंने तो कहा था एक बेटा चाहिए, ये बेटी कैसे हो गई। उन्होंने होताओं को बुलाए, बोले होताओं तुम लोग गोता कैसे लगा लिए, ये बेटा नहीं होकर बेटी कैसे हुई। बोले महाराज इसमें हमारी कोई दोष नहीं है, इनके घर में एक मत नहीं, राजा की इच्छा घर में बेटा हो और रानी की इच्छा घर में बेटी हो। अब इनका घर एक ही मत नहीं, रानी ने हमारा कान में बोल दी अगर बेटी होगी तो मुंह मां की दक्षिणा मिलेगी, हमने देखा बढ़िया दक्षिणा से मतलब है, इसलिए महाराज हमने ऐसे मंत्र पढ़ ली। इतने में श्री वशिष्ठ जी कहते, बोले देख राजा घर में जब कोई बेटी आती है ना सारा दुनिया कहते घर में लक्ष्मी आई है, घर में लक्ष्मी आई है। लेकिन कोई लड़का हो तो कोई नहीं बोलता नारायण आया, लेकिन बेटी आए तो क्या बोले लक्ष्मी। इसलिए लड़की की जब दान की जाती है वो लक्ष्मी रूपा मान करके दान दिया जाती है, और कन्या दान को सबसे बड़ा दान मानती है। अच्छा हुआ घर में लक्ष्मी आई। आप देखना घर में जो बेटी आती है ना, देखना घर में भी माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होती है, घर में कोई पैसा भी घर में आती है, बोले अच्छी बात है लक्ष्मी आई। बोले ये तो बात की बात है लेकिन हमें तो चाहिए बेटा चाहिए। देखो पहले पहले ऋषियों के पास में कितना मंत्र शक्ति होती थी। श्री वशिष्ठ जी ने वो ऐसे मंत्र पढ़े जो बेटी थी उनको उन्होंने बेटा बना दिया, इसलिए इसका नाम हो गया सुदुम्न। पहले उनका लड़की का नाम थी एला, अभी हो गया सुदुम्न। इतने में जब ये धीरे 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 बड़े हुए, एक दिन ये सुदुम्न अपना सैन्य सामंत को लेकर के जंगल में भ्रमण करने के लिए गया था, और एक जंगल में प्रवेश करते ही जितने सबके सब सैन्य थे पुरुष सब लड़की बन गए, और जितने घोड़ा थे सबके सब घोड़ी बन गई, और ये जो सुदुम्न था ये बन गई राजकुमारी, राजा से बन गई राजकुमारी, और अपना शरीर को देखे ना सबके सब लड़की लड़के। बोले भैया ऐसे कैसे हो गया, आप लड़की कैसे बन गए। क्योंकि वो जंगल में रहते थे श्री भोले बाबा, भोले बाबा की भजन स्थली थी। एक दिन शंकर जी पार्वती से मिल रहे थे, चतुसन उनको दर्शन करने के लिए आए। जब दर्शन करने के लिए आए मैया पार्वती तो एकदम शर्मिंदा में पड़ गए। शंकर जी से बोले ये कौन सा घर गृहस्थी है, जिसकी इच्छा हो वही मुंह उठाकर आ जाते हैं। इतने में शंकर जी ने अभिशाप दिए, आज से ये जंगल में अगर कोई भी पुरुष प्रवेश करेगा वो पुरुष नहीं रहेगा, वो सबके सब स्त्री बन जाएगा। लेकिन ये बात इनको पता ही नहीं था, सबके सब लड़की। वो इतने शर्मिंदा पड़ गई, अभी घर वापस कोई नहीं आ रहे। फिर ये खबर अब पहुंचा,
राजा के पास में, फिर राजा वशिष्ठ के पास में गए, फिर वशिष्ठ शंकर जी के पास में गए, शंकर जी से प्रार्थना की मेरे बेटे को फिर बेटे बना दो, फिर मेरे बेटा बेटी बन गई। शंकर जी बोले देखो एक काम कर सकता हूँ, मैं वरदान देता हूँ, एक महीना ये बेटा रहेगा और एक महीना ये बेटी रहेगी, इतना मैं कर सकता हूँ। बोले कोई बात नहीं, देखो भगवान की कितनी अद्भुत माया है, जब ये बेटी बनी तब इनकी शादी बुद्ध के साथ हुई, फिर उससे जो संतान हुआ उससे ये चंद्रवंश आया, जिस चंद्रवंश में स्वयं भगवान कृष्ण जन्म लेते। जब वह सुदुम्न था फिर उसकी शादी हुई, फिर उसी समय जो बच्चा जन्म लिया उससे ये सूर्यवंश आता है, और सूर्यवंश में प्रभु राम स्वयं ये सूर्यवंश में आते हैं। देखो एक व्यक्ति से ही ये चंद्रवंश में कृष्ण आए और दूसरे से सूर्यवंश से श्री रामचंद्र आए, एक व्यक्ति से ये दो वंश चली, ऐसे भगवान की ये अद्भुत माया है। अभी हम लोग श्रवण करेंगे कृष्ण कैसे जन्म होते हैं। कहते भगवान कृष्ण की कथा बड़ी प्यारी कथा है। जब से सुखदेव गोस्वामी अभी कृष्ण कथा बोलने के लिए जा रहे हैं, जैसे टीवी में सीरियल देखते हैं ना, वो ऐसे ही उन्होंने पूरा कृष्ण 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 कथा को दर्शन किया। उन्होंने एक श्लोक बोल करके, जैसे अगस्त ऋषि ने एक गंडूस वाली में सबके सब समुद्र को पार कर लिए थे, ऐसे ही उन्होंने ऐसे एक श्लोक को उच्चारण की, एक श्लोक में संपूर्ण कृष्ण कथा को बोल दी। कैसे कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में कैसे प्रभु प्रकट होते हैं, प्रभु कैसे गोकुल में जाकर के नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, प्रभु कैसे वहां पल्ले पर झूलते हैं, कैसे भगवान पहले पुतना कुमारे, सकटासुर कुमारे, अघासुर फकासुर कुमारे, कालिये के सर पर नृत्य की, प्रभु कैसे गिरिराज गोवर्धन को धारण की, प्रभु कैसे सत करोड़ गोपियों के साथ में प्रभु कैसे रास करते हैं, प्रभु कैसे मथुरा में कंस को उद्धार किया, कृष्ण कैसे द्वारका में गए, 16108 पटरानियों से प्रभु शादी की, और हर रानियों से 10-10 बेटे एक एक बेटी हुई, और ऋषियों ने कैसे अभिशाप दिए, और उन्होंने प्रभास क्षेत्र में जाकर के अपना लीला को अंतर ध्यान करके प्रभु चले गए अपना धाम। इतना बोल करके उन्होंने बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बस इतना बोल करके कथा को समाप्त और चुपचाप बैठ गए। परीक्षित महाराज तो देख रहे हैं, बोले क्या हो गया कथा, बोले बोल दिया ना पूरी कृष्ण कथा तो सुना दी, बोले प्रभु मैं चार चार दिन से इसलिए बैठा हुआ हूँ कृष्ण कथा सुनाने के लिए, क्योंकि कृष्ण मैं जब माँ की पेट में था उत्तरा के गर्भ में ही अस्वस्थ, हमारे ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया मेरे को मारने के लिए, मेरी मैया जब कृष्ण शरण में चली गई कृष्ण ने मेरे को रक्षा किया है, कृष्ण हमारी कुल देवता, मैं केवल कृष्ण कथा सुनने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, आप तो एक श्लोक में पूरी पूरी कृष्ण कथा सुना दिए, मेरे को संतुष्टि नहीं मिली, मेरे को कृष्ण कथा को व्याख्या करते हुए हैं सुंदर रूप में कृष्ण कथा सुना। जब उन्होंने सुने प्रसन्न हो गए, बोले तुमको हम परीक्षा कर रहे थे, मैं तुमको परीक्षा कर रहा था तुम्हारी मन में कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है कि नहीं। फिर तो उन्होंने तीन दिन तक कृष्ण 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 कथा सुनाई है। बोले कृष्ण कथा कैसे है, बोले तीन गंगा है, एक गंगा है स्वर्ग में जिसका नाम मंदाकिनी, एक गंगा है पृथ्वी के ऊपर में जिसका नाम भागीरथी, एक गंगा है पाताल में जिसका नाम भोगवती। जैसे ये तीन गंगा ये तीन लोगों को पवित्र करती है, भगवान की कथा भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले किसको किसको, जो सुनते हैं, जो बोलते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ये तीनों लोगों को ये कृष्ण कथा पवित्र करती है। बोले भगवान की कथा इतने मधुर है, इसे श्री बल्लभाचार्य कहते हैं, बोले आधरंग माधुर बातनंग माधुर नायनंग माधुर हृदयंग माधुर आधरंग माधुर।
सुखदेव गोस्वामी जैसे व्यक्ति केवल कृष्ण की एक श्लोक को सुने, कृष्ण कितने सुंदर हैं सुनते ही उन्होंने सारे ब्रह्म ज्ञान को छोड़ करके बोले कुर्बन अहित की भक्ति इथम भूत हरी। भगवान हरि की इतने प्यारी इतने मीठी मीठी भगवान की कथा, फिर उन्होंने भगवान कृष्ण की कथा सुनाई। बोले जिस समय ये कंस ने बड़े अत्याचार किए, बोले कंस का बेटा पिताजी उग्रसेन अपना पिताजी को उन्होंने बंदीशाला में डाल दिया और बोले मेरे देश में कोई भी कीर्तन नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई यज्ञ नहीं कर सकते हैं, मेरे देश में कोई भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, जो कुछ करना मेरे को करना पड़ेगा। पृथ्वी बड़ी दुखी हो गई, ब्रह्मा जी के पास में गए, शंकर जी के पास में, अरे इंद्र, ये सब के सब जाकर के खीर समुद्र के पास में पुरुष सुक्त मंत्र से भगवान की स्तुति करते हैं। इतने में आकाशवाणी हुई, हे देवताओं तुम लोग का दुख मैंने जान लिया है, जाओ तुम लोग सबके सब जंतुवन से जन्म ग्रहण करो। हे देवियां सबके सब गोपी बन करके तुम लोग जन्म लो, मैं जल्दी से जल्दी आ रहा हूं। एक दिन कंस अपना बहन देवकी को बड़े धूमधाम से वसुदेव के साथ में शादी कराया और उसने बहुत कुछ वस्तु उन्होंने उनको दहेज रूप में दे करके स्वयं उनको विदाई कर रहा था। आकाशवाणी हुई, बोले रे मुड़ कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो इसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे काल बनेगा। कंस ने देखा ये देवताओं का वाणी ये कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसलिए न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। कंस ने निकाला अपना तलवार को, देवकी की चोटी पकड़ करके मारने जा रहा था। वसुदेव ने देखा ये देवताओं का वाणी कभी छोटी नहीं होगी, किसी तरह से देवकी को रक्षा करनी चाहिए। उन्होंने साम दाम दंड और भेद नीति से उन्होंने समझाने के लिए कोशिश की, लेकिन किसी तरह से कंस समझा नहीं। इतने में वसुदेव महाराज ने कहा देख तू एक दिन मरोगा कि नहीं। बोले हाँ मरूंगा। बोले एक दिन जब मरूंगा फिर अपना बहन के क्यों मार करके मरोगे, दुनिया तेरी बदनामी करेगी। बोले आकाशवाणी नहीं सुना। बोले मैंने भी सुना है। बोले देख तेरे को पता है मैं कभी झूठ नहीं बोलता। बोले हाँ। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने संतान होएगा सारे संतान मैं तेरे को दे दूंगा, इसलिए तू बच्चे को तुम देवकी को मत मार, तुम बच्चों को मार डालना अभी ठाकुर की जैसे इच्छा। पहला बेटा हो गया कीर्तिमान, उन्होंने कंस को दे दिया, कंस बहुत प्रसन्न हो गया। बोले वाह अपना बेटे को काल को हाथ में, बोले इसको तू ले जा अष्टम गर्भ का बच्चे से मेरे मतलब है। नारद जी ने देखा भैया गड़बड़ी हो गई। बोले क्यों? बोले भगवान कब आएंगे, जब पाप की घड़ा भर जाएगा, लेकिन इसके हृदय में तो दया की भाव आ रहा है, ठाकुर जब फिर आएंगे नहीं जल्दी। इतने में श्री नारद जी बस बिना बजाते श्री नारद जी वहां पर प्रकट हो गए।
आकर के कंस को एकांत स्थान में बुलाए, बोले अभी अभी मैं स्वर्ग से उतर रहा हूँ। देखा पितामह ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर के मीटिंग कर रहे थे और उसका विषय था तेरे को मारेंगे कैसे। बोले देखे कंस, ये जितने जदुवंशी है ना, ये और कोई नहीं, ये सब के सब देवता है। और जितने गोपियां और कोई नहीं, ये सब के सब देवियां हैं। सबके सब मिल करके तेरे को मारने के लिए आए। तब उन्होंने एक कमल फूल लाए थे जिसमें आठ पंखुड़ियां हैं। बोले बताओ तो इसमें पहला नंबर कौन और आठवां नंबर कौन। बोले गुरु जी कैसे बताओ, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, इधर से क्यों, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ। बोले गुरु जी क्या बताना चाह रहे हो। बोले इतना समझ में नहीं आ रहा है, ये देवता का वाक्य समझना बड़ा कठिन, तू तो इधर से गिन रहे हो एक दो तीन चार। अगर वो उल्टा से गिने तो जिसको तू तो एक कर रहे हो ना, हो जाएगा आठ। जब आठ बच्चे जन्म लेंगे बड़े होएंगे कि नहीं। बोले हाँ बड़े होंगे। बोले सबके सब तेरे को मील करके मारेंगे। बोले गुरु जी फिर सबको मैं मार डालू। बोले भैया मैं क्यों बताऊं, तू जानता तेरा बात जानता। भड़का दिया मैंने, बस भड़का करके नारद तो वहीं से भाग गए हैं। इतने में कंस ने एक एक करके छह बच्चों को मार डाली। हाँ देखो यहाँ प्रश्न आता है, ये नारद जी इतने बड़े संत हैं, फिर इन्होंने बच्चों को क्यों मरवाया। बोले मरवाया नहीं उन्होंने, इनकी मुक्ति करवाया, क्योंकि ये पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी की मानस संतान थे, ये मरीज थे। एक दिन ब्रह्मा जी एक सुंदर लड़की को जन्म दिया, सरस्वती को। वो इतनी सुंदरी थी अपना बेटी, देखो ये माया कितना बलवती है। अपना बेटी को प्रति वो आसक्त हो गए और अपना बेटी को पीछे ब्रह्मा जी भागे थे। इन लोगों ने देखा, देखो ये अपना बेटी को प्रति कैसे भाग रहा है, इसलिए उन लोगों ने हंसी उड़ाया था। इसलिए ब्रह्मा जी ने अभिशाप दिया, बोले मेरे को तुम हंसी उड़ा रहे हो, जाओ अपना पिताजी को हाथ में तीन जन्म तक मर करके तुमको मुक्ति मिलेगी। इसलिए दो जन्म उनकी बीत चुकी है, अभी पहले जन्म में पिताजी काल में थे, वही काल में भी अभी कंस बन करके आया, इनके हाथ में मरेंगे तो इनकी मुक्ति मिलेगी। उनने मरवाया नहीं, उनको मुक्ति दिला दिया। अभी सप्तम गर्भ में स्वयं श्री बलदेव प्रभु आते हैं। बोले बलदेव प्रभु कौन है, ये साक्षात अनंत देव है, साक्षात अनंत देव बलदेव प्रभु। ये श्री पृथ्वी को जो धारण करने वाले, कृष्ण की हर तरह से जो सेवा करने वाले श्री बलदेव प्रभु आए। इसलिए वसुदेव के दो पत्नी थी, एक रोहिणी और एक देवती। ये रोहिणी भी पहले गर्भवती थी, इसलिए जद्दू वंशों ने देखा कंस तो सबको मार रहा है, अगर ये रोहिणी अगर बच्चा जन्म दे, अगर इसको मार देगा, फिर भविष्य में राज सिंहासन तो कौन संभालेगा। उनको राता रात भेज दिया गोकुल में। अभी देवकी जब गर्भवती धारण की, भगवान जोग माया को बुलाए, बोले हे जोग माया एक काम करना पड़ेगा। बोले बताओ क्या चाहिए। बोले ये देवकी गर्भ में जो संतान को, इसको आकर्षण करके तुम रोहिणी गर्भ में स्थापना कर दो और तुम मेरी छोटी बहन रूप में जन्म लेना। देखो ये जगत में तेरी बड़ी नाम होगी, ये कृष्ण खुद बोल रहे हैं, अंबिका है तुमको, देवी दुर्गा भद्रा काली अनंत नाम में तेरी नाम होगी, तेरी बड़ी पूजा होगी, मेरी छोटी बहन बनकर तू आओगी। बोले ठीक है प्रभु। अभी सप्तम गर्भ में बलदेव प्रभु और अष्टम गर्भ में कौन आएंगे, बोले श्री कृष्ण कन्हैया। देखो मेरे तरफ में देखो, ये अष्टम गर्भ में कृष्ण क्यों आए, ये सप्तम में नहीं छह में नहीं क्यों आए, अच्छे तरह से चीज को समझ लो। कंस ने जो छह बच्चों को मारे, इसका मतलब क्या है। बोले ये काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य। भगवान कहते हैं अगर मेरे को तुम अपना हृदय में बैठना चाहते हो, पहले ये छह शत्रु को मारो। ये कंस कौन है, बोले भय ये डर है, हम डर से भगवान की भक्ति करते हैं। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करेंगे फिर वही 84 लाख जन्म में हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए ये कंस यही भय है, ये भय से क्या करते, छह बच्चों को मारो। बोले सप्तम गर्भ में, बोले श्री बलदेव प्रभु ये धाम स्वरूप जो भगवान को हृदय में धारण करने वाले,
हैं, और अष्टम गर्भ में बोले भगवान कृष्ण। देखो मेरे तरफ में देखो, भगवान जैसे क्लास वन टू थ्री फोर फाइव भी होता है, ये भक्ति की भी आठ स्टेजेस हैं। पहला नंबर है श्रद्धा। जैसे आप लोग के अंदर में श्रद्धा है, इसलिए तभी यहाँ पर बैठे हो। भक्ति का सबसे पहला सीढ़ी श्रद्धा, भक्ति की। दूसरे में बोले साधु संग, श्रद्धा में बैठे फिर कथा सुन रहे हो, भक्तों की कथा सुन रहे हो साधु संग। फिर तीसरे नंबर में फिर जब संतों का संग करेंगे, फिर हमें पता चलेगा भैया हम कौन है, कहाँ से आए। फिर हमारे जो पिताजी के पिताजी वो कई कहाँ पर, अगर हमारे ये पिता के पिता होते तो फिर हमें छोड़कर क्यों जाते हैं, और एक दिन हमें भी ये दुनिया छोड़ना पड़ेगा, फिर हमें है कौन, फिर कहाँ जाएंगे। फिर उसको ये पता चलता है जीव कौन है, बल्कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सबके सब भगवान के संतान है, भगवान के औलाद हम सबके सब। ये चीज साधु संग में पता चलता है। फिर वो क्या करता है, जो चौथा स्टेजेस है, फिर भजन क्रिया, फिर ठाकुर जी की भजन करना शुरू करता है। प्रभु की भक्ति करने पर ये संसार से पार होकर के ठाकुर के पास में जाएगा। उसके बाद पंचम स्टेज में जब भगवान की भक्ति करेंगे, फिर हमारा हृदय का काम क्रोध सबसे सब खत्म हो जाएगी, फिर हो जाएगी निष्ठा। निष्ठा मतलब क्या है, इतने भक्ति में हम पक्के बन जाएंगे, भले ही दुनिया में कुछ हो जाए लेकिन प्रभु का भक्ति नहीं छोड़े। जैसे मीरा है, मीरा ने जब भगवान की भक्ति की, सारा दुनिया उसकी शत्रु बन गए, सास ससुर नाना देवर सबके सब, लेकिन मीरा ने प्रभु की भजन कभी नहीं छोड़े, इसलिए इतने उसकी निष्ठा हो जाती है। फिर रुचि, फिर निष्ठा आसक्ति, फिर भाव और प्रेम। कहते भाव अवस्था में बलदेव प्रभु और प्रेम में साक्षात कृष्ण दर्शन है। इसलिए कृष्ण अष्टम स्टेज में भगवान आते हैं, फिर भगवत प्राप्ति हो जाते जीव को, फिर जन्म मृत्यु का चक्र जिनका समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अभी भगवान आ रहे हैं, अभी पहले कहाँ आए, बोले वसुदेव के हृदय में। फिर वसुदेव महाराज बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी देवों की कथा सुनाए। भगवान हमारे जैसे जन्म नहीं लेते हैं, हम लोग कैसे जन्म हुए, पिता माता के मिलन से हमारी जन्म हुई, इसलिए हमारे जन्म को शुक्र जन्म कहते हैं। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं बोले जन्म कर्म च मे दिव्यम, कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म कर्म अप्राकृत अवलोकित मेरे जन्म कर्म है। भगवान सप्त ब्रह्म रूप में वसुदेव का हृदय में आए, वसुदेव महाराज देवकी को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण कथा सुनाई, भगवान उसके हृदय में प्रवेश किए। इतने में कंस देखने के लिए आया तो देखा एकदम कारागार उजला उजला हो रहा था, वो तो समझ गया भैया मेरे काल आ गया है, सोच रहा था मार डालू लेकिन हिम्मत नहीं हुआ मारने के लिए। अभी कंस दिन भर अपना काल को याद कर रहा है, ये काले काले मुरली वाले आने वाले हैं। इतने में तैतृषी कर्ण देवता स्वर्ग में आकर के भगवान की स्तुति और भगवान के स्वागत कर रहे हैं, बोले सत्य व्रतम सत्य परम त्रि सत्य सत्य स जोनी निहितम च सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मक त्वाम शरणम प्रपद्ये सत्यम व्रतम। बल हे प्रभु आपका जो व्रत सत्य है, क्योंकि भगवान कहते हैं बोले जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बल हे अर्जुन जब जब इस पृथ्वी ऊपर में दुष्टों का अत्याचार होता है, मैं अवतीर्ण होकर के दुष्टों को विनाश करता हूँ। बोले हे प्रभु आपने जो व्रत किया ये सत्य है, आपका भक्त भी सत्य है, आपकी धाम भी सत्य है, आपका नाम भी सत्य है। अभी सारे देवता लोग भगवान को स्वागत कर रहे हैं, हम भी तुम्हें ठाकुर को स्वागत करेंगे। आप सबके सब मेरे पीछे पीछे बोलो, बोले सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम
Amen. Amen.